मुखिया जी के साथ। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत हार्दिक है। अभी हम पहुंचे हुए हैं गोठौला पंचायत में, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ हैं संजय यादव जी। आइए बात करते हैं, जानते हैं विकास के मुद्दे पर। लगभग 2 साल 2 महीने का कार्यकाल रहा है और ये 2 साल 2 महीने में अपने विकास के मुद्दे पर क्या बताना चाहेंगे, 7 निश्चय योजना को कितना तरजीह देना चाहेंगे, कैसी योजना है इस पर क्या बताना चाहेंगे, यही बात करते हैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव। पहले तो हम जानना चाहेंगे ये जो आपका पंचायत है गोठौला पंचायत, और इसमें टोटल कितने गाँव हैं? इसमें 4 गाँव। 4 कौन कौन गाँव? ये वार्ड की संख्या? 12 संख्या। 12 कितने वार्ड को चयनित किया गया? 10 वार्ड चयनित। 10 वार्ड में काम चल रहा है? 10 वार्ड में काम चल रहा है। बहुत बढ़िया। क्या ये 7 निश्चय योजना जो सरकार की योजना है, इससे आप कैसा कैसी योजना है, क्या बताना चाहिए? ठीक है, मिला जुला है, इसे हम लोग का थोड़ा परेशानी है। जैसे क्या परेशानी? परेशानी इसलिए है कि थोड़ा झमेला में हम लोग पड़ रहे हैं। 5 सदस्य काम ये रहा है, उसमें 5 सदस्यीय टीम है, उसमें सचिव चुना गया है, सचिव अलग खींच रहा है, वार्ड अलग खींच रहा है। मिला जुला के काम तो चल रहा है, ऐसा बात नहीं, हमारा 10 वार्ड में काम चल रहा है। उनको भी देखिएगा तो पूरा हमारा करौली से लेकर गोठौला करवा 4 गाँव में काम चल रहा है। करीब जितना पैसा आया था करीब करीब 10-15 लाख रुपये रह गया, लेकिन 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा, जल नल योजना कैसे? जल नल योजना तो हम लोग का अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन PWD में करीब करीब वहाँ से ठीक हो रहा है। अच्छा, तो यानी कि आपके अनुसार 7 निश्चय योजना में परेशानी कोई खास नहीं है? परेशानी तो है, इसलिए परेशानी है कि वार्ड सचिव जो उसमें भी उन्हीं लोगों के पहले झगड़ रहे हैं कि हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। मुखिया तो अलग की बात है, चयन सिस्टम से बाधा उत्पन्न हो रहा है, एकदम बाधा उत्पन्न हो रहा है। अच्छा मुखिया जी, शौचालय की यदि बात की तो शौचालय में कितना परसेंट आपका जो ये पंचायत है कितना परसेंट शौचालय बन चुका है? शौचालय करीब करीब 50% हम लोग का 50%। हाँ, तो 50% नहीं होने का क्या कारण? 50% नहीं होने के कारण कुछ लोग का दिक्कत है, कुछ लोग का पैसा का प्रॉब्लम है। सरकार ऐसे कर दिया है कि पहले बनाइए उसके बाद पैसा मिलेगा, इसीलिए लोग खिचक रहा है। जिनका बना है उनका पैसा आ रहा है? जिनका बना है उसको पैसा तो दिक्कत हुआ था कुछ दिन, साल भर में पैसा लोग दिए थे, इसीलिए अब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पैसा लोग लेते तो जल्द जल्द लोग बनाते। अच्छा मुखिया जी, आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपकी भाभी यहाँ पर मुखिया है, लेकिन जितने भी ये काम है विकास की बातें हैं या जो भी विकास के काम है खुद आप देखते हैं, यानी कि आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है और बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी आपको देख रहे हैं, तो आप सरकार को अपने अनुसार क्या संदेश दें, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा होता तो अच्छा होता, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार? सरकार को तो हमने सुझाव दिया कि जो 7 नीति वो 7 नीचे है, उसके पहले जो हम लोग पहले का योजना थे 14वां पंचम, इसी तरह होता तो हम लोग को परेशानी कम झेलना पड़ता। अपने मन से विकास करता है? हम लोग अपने मन से विकास करते हैं। ठीक है, इस सरकार का ध्यान है कि मुखिया चोरी कर रहे हैं, तो मुखिया पर निगरानी रखवाइए उसी सरकारी को पदाधिकारी को कि मुखिया की चोरी न करें, सदस्य उसी में चुनवाइए कि एक भी चोरी न कर पाए। इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हम हो रहे हैं। क्या मतलब इसमें पंचम और 14वीं की तरह इसमें आपको उस तरह का नहीं रखा गया? नहीं रखा गया, 14वीं पंचम से काट कर 7 तीसरे में 80% पर डिफॉल्ट किया गया। बहुत अच्छा, और क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके यहाँ आने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है? हाँ, हम लोग का यहीं बगल में पूरा ये आधा गांव पूरा डिस्टर्ब है, खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, इधर बाहर जाने में दिक्कत है, नदी बगल में है, उस तरफ से रास्ता बंद है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक पुल बन जाता छोटा मोटा कम से कम। इसके लिए आपने फंड का मांग नहीं किया? हम मांग किए हैं, विधायक माननीय विधायक अनवर आलम से भी मांग किया है, यहाँ के आरके सिंह हैं उनको भी हम लोग आवेदन दिए हैं। प्रस्ताव आपका हम लोग अभी तक पास नहीं हुआ है कि यहाँ पर पुल बन जाता तो हमें पूरा यहाँ पर करवा गाँव है, करवा गाँव में मिल जाता है, घोर पोखर गाँव है, घोर पोखर में मिल जाता है, सारे ग्रामीणों को फायदा। हम देखिए बगल से 10 फीट का रास्ता छोड़वाए हैं, सोलिंग हो रहा है, 10 फीट पुल जाएगा तो हम लोग का गाँव का रास्ता जाएगा। अभी हमारी बात हो रही थी गोठौला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव जी हैं,
और संजय यादव जी इतना शालीनता से, इतना सभ्यता से अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि यदि सरकार की इस तरह की फीलिंग है कि नहीं, मुखिया लोगों को जो भी हम फंड दे रहे हैं उससे विकास नहीं हो रहा है, मुखिया लोग चोरी कर रहे हैं, तो सरकार को मुखिया जी लोगों पर ध्यान देना चाहिए था, या उनकी जो भी योजनाएं हैं उसकी जांच करवानी चाहिए थी, या और भी बहुत तरह से तरीके थे, लेकिन इस तरह सात विषय में सारा चयन सिस्टम को ला देने से हमारी परेशानी बढ़ गई है। हम लोग परेशान होकर रह जाते हैं, चाह के भी काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काम तो वार्ड को करना है, हम लोग को तो चेक काट देना है। ऐसे ही तमाम मुखिया जी लोगों का जो भी बातें हैं चलती आ रही है। तो हमें जहाँ तक उन्होंने एक अच्छा प्रस्ताव भी रखा कि हमारे यहाँ एक नदी है जिस जो कि बहुत सारे गांवों को जोड़ती है, हमारे गांव के अलावा भी बहुत सारे गांव से ये नदी होकर गुजरती है, यहाँ एक पुल का निर्माण हो जाता है, छोटा सा पुलिया का निर्माण हो जाता है, जो कि बहुत ही कम छोटे बजट की पुल होगी, छोटी बजट के पुल से इस पुलिया से काफ़ी गाँव को फायदा होता होता तो इनके लिए और तमाम ग्रामवासियों के लिए बहुत फायदेमंद। थैंक यू। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन अरुण ओझा के साथ, धन्यवाद।